तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि धनी बालों ने अपने 200 कर्मचारियों को बिना सैलरी दिए हुए अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया है, वो भी 3 महीने काम कराने के बाद। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धनी का लाइसेंस रद्द होगा या नहीं, क्योंकि ये एक फ्रॉड के अंतर्गत आता है। अगर किसी भी कंपनी को लाइसेंस मिला है कोई भी काम करने के लिए, अगर वो काम करता है साथ में वो फ्रॉड भी करता है, तो उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धनी का लाइसेंस रद्द होगा या नहीं, होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो फ्रेंड, जैसे आपने यूट्यूब का नाम सुना होगा, एक है यूट्यूब, एक इंडिया, दोनों को अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो दोनों को सेलिब्रिटी सिंबल मिला हुआ है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि यूट्यूब क्या है और यूट्यूब इंडिया क्या है। तो यूट्यूब एक हेडक्वार्टर है, जो यूट्यूब का मेन ऑफिस है वो अमेरिका में है, और यूट्यूब इंडिया जो है यूट्यूब के अंदर काम करता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर यूट्यूब इंडिया वाले कुछ गलत करता है, जैसे कोई फ्रॉड करता है चाहे कुछ भी करता है, तो यूट्यूब इंडिया को बंद किया जाएगा, ना कि यूट्यूब बंद किया जाएगा। सेम यही सीन है धनी वालों के साथ। तो क्या है फ्रेंड्स कि इंडिया बुल्स एक कंपनी है जो कि नोएडा में है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया बुल्स एक कंपनी है जो कि नोएडा में है, और वो इंडिया बुल्स वाले मतलब धनी वालों के साथ कोलाबरेट करके और धनी वालों से कहता है कि आप अपनी रिकवरी का एक्सेसिबिलिटी जो है मुझे दे दीजिए और हम उस पर काम करेंगे, हम अपने टीम मेंबर्स को लगा के, और साथ में जो आपका फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे, और जो हमारा फायदा होगा आप हमें दे दीजिएगा। तो धनी वाले इंडिया बुल्स से कहता है, ठीक है मैं आपको एक्सेसिबिलिटी दे दूंगा, लेकिन हमारा जो फायदा होगा आपके थ्रू उसमें से आप कितना परसेंट लीजिएगा। तो इंडिया बुल्स वाले का जो मर्जी होता है, मन मर्जी वो बोल देता है। जैसे वो ही ऐसे कहता है कि जितना मैं प्रॉफिट दूं आपको उसका मैं 50% रख लूंगा अपने टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। धनी वाले कहता है चलो ठीक है मैं आपको अपना एक्सेसिबिलिटी दे देता हूं, आप इस पे काम कीजिए, अगर आप हमको पैसे रिकवर करके देते हैं तब हम आपको उसमें से परसेंटेज कट करके देंगे, अगर आप हमें पैसे रिकवर नहीं करके देते हैं तो हम आपको उसमें से परसेंटेज कट करके नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या करता है, इंडिया बुल्स वाले एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है कि धनी वाले तो उसको रिकवरी का एक्सेसिबिलिटी दे दिया, अब इंडिया बुल्स वाले अपने टीम मेंबर्स को सेट करेगा रिकवर करने के लिए। तो वही कुछ कर्मचारियों को रखेगा और कॉल सेंटर के तौर पे रखेगा, और सारे कर्मचारियों से कहेगा कि मतलब क्लाइंट को फोन करो और लोन रिकवर करो। अब क्लाइंट क्या करता है कि फोन करता है और लोन रिकवर नहीं हो पाता है, तो इंडिया बुल्स वाले का भी फायदा नहीं हो पाता है, साथ में धनी वाले का भी फायदा नहीं हो पाता है। पर इंडिया बुल्स वाले जो वर्कर्स रखे हैं 10,000 पे, उसको तो सैलरी देना फर्ज बनता है, लेकिन ये सैलरी भी नहीं देता है, तो फिर गलती किसका है, इंडिया बुल्स वाले का, धनी वालों का तो नहीं है, क्योंकि धनी वालों से तो इंडिया बुल्स वालों ने एक्सेसिबिलिटी ले रखा है कि हम आपका जो लोन है रिकवर करके देंगे, उसके बदले आप हमको परसेंटेज कट करके दीजिएगा। तो क्या फ्रेंड्स आपको लगता है कि ऐसे में धनी कंपनी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि गलती क्या है, नोएडा के इंडिया बुल्स वाले, जिसे आप ऑर्गेनाइजर कह सकते हो, वो ऑर्गेनाइज करता है नोएडा के अंदर कि मैं इतने लोगों का लोन रिकवर करके दूंगा, उसका आप हमको कमीशन दे दीजिएगा। पर यहाँ पे ये वर्क भी करके नहीं दिया, साथ में जो वर्क नहीं हुआ तो अपने जो वर्कर्स है उसको भी सैलरी नहीं दिया, तो गलती किया है इंडिया बुल्स वालों ने? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, धनी वालों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने गलती नहीं किया, गलती किया है इंडिया बुल्स वाले ने, क्यों वो लोन का रिकवर करके धनी वालों को ना सेंड किया, ना ही उसका कमीशन बना, और ना ही वो अपने वर्कर्स को सैलरी दे पाया। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।